Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जो कि गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ा खुशखबरी मिला है और संसद की सदस्यता उनकी बहाल हो गई। इस कड़ी में तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं उनके बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी जो कि कई दफा विधायक रह चुके हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आ चुकी है, जिसमें वो 2024 में किस्मत आजमाने की बात फिर से कहते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूपी में गाजीपुर से बसपा के सांसद रहे अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है, फिर हाई कोर्ट से जमानत मिली थी मगर सजा पर रोक नहीं लगाई थी। इसके खिलाफ अफजाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से 30 जून 2024 तक सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने के लिए भी कह दिया है। इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उनके बड़े भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्लाह अंसारी ने कहा है कि वो न्याय की जीत है, पूरी उम्मीद है कि आगे भी न्याय मिलेगा। जो भी सांसद निधि से विकास परियोजना लंबी थी, उन्हें हम पूरा करेंगे। हालांकि समय बहुत कम बचा है, मगर हम अधिकारियों से सहयोग लेकर परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहीं बात करें तो सुरक्षा और सलामती के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि यूं तो अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी मौका देगी तो वो अपनी किस्मत जरूर आजमाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोई रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ट्रामा सेंटर बनकर खड़ा है मगर उसमें चिकित्सक नहीं है। पताल गंगा जो सब्जी मंडी थी, उसे सरकार ने खत्म भी कर दिया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी जवाब दिया। कहा कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार जरूर लगाई है, हमारी मांग है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था और सलामती के लिए मुकम्मल व्यवस्था की जाए, न उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर किसी ऐसी जेल में भेजा जाए जहां सुरक्षा मिल चुके। तो इस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अफजाल अंसारी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या बीएसपी उनको टिकट देगी, इस पर आपकी राय क्या है बताइएगा। धन्यवाद।